आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी सरसों वाली बेसन की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी। ये सब्जी एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली बनती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो बेसन की सब्जी बनाने के लिए हम सबसे पहले मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 10 से 12 कलियां लहसुन की ली हैं, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च ली हैं, 10 से 12 दाने काली मिर्च के लिए हैं, 2 बड़ा चम्मच सरसों लिया है। इन सब मसालों को हम मिक्सर जार में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें हम। अब इसका हम स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें डालेंगे 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से डालें। आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। अब बेसन का घोल हम बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब जो सरसों लहसुन का हमने मसाला बनाया था इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच मसाला। आधा कप के करीब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि कोई लम्स ना रहे। इसका बैटर हमें थोड़ा गाढ़ा ही बनाना है, बिल्कुल इस तरीके का। अब एक पैन या तवे पे हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे। अब तवे के बीचों बीच हम बैटर को डाल देंगे और इसे फैला लेंगे अच्छे से। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे। अब एक स्पैचुला की हेल्प से हम इसे फटाफट से फोल्ड कर लेंगे। ध्यान रहे बैटर बिल्कुल भी सूखना नहीं चाहिए, इसे हम तुरंत ही फोल्ड करेंगे और इसके बाद हम इसे प्रेस कर देंगे। दोनों तरफ से उलट पलट के हम पका लेंगे इसे अच्छे से। इसे पकाने में लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं। अब ये दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये हमारा एक चीला बनके रेडी हो चुका है। अब सेम प्रोसेस से हम बाकी का चीला बना लेंगे। तो वापस से पैन में हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे। तवे के बीचों बीच हम बैटर को डालेंगे। इसे बनाने के लिए आप नॉन स्टिक तवे का यूज करें, इस पे ये ज़्यादा अच्छे से बनेगा। तो फटाफट से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा चीला भी बनकर रेडी हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। तो अब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने के प्रोसेस में। तो गैस को ऑन करके मैंने कढ़ाई रखा है, इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच पंचफोरन। इसमें होते हैं राई, मेथी, सौंफ, अजवाइन, कलौंजी। पंचफोरन को हम आधे सेकेंड के लिए पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे और इसे मिला लेंगे अच्छे से। अब इन सब मसालों को हम 8 से 10 मिनट के लिए भूनेंगे जब तक मसालों से तेल सेपरेट ना हो जाए। मसालों को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनेंगे। अब 8 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि मसालों से तेल सेपरेट हो चुका है, मसाला अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टमाटर कट करके, साथ ही में हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब टमाटर को हम अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। तो इसमें मैंने 2 कप पानी डाला है। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से रखें। अब पानी डालने के बाद हम ग्रेवी में उबाल आने देंगे।
अब यहाँ पे बेसन अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम एक नाइफ़ की हेल्प से इसे पीसेस में कट कर लेंगे। जितना बड़ा पीस आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसे कट कर लें। तो मैंने यहाँ पे इसे मीडियम साइज के पीसेस में कट कर लिया है। और ये जो पीसेस हैं वो देखने में ऐसा रहेगा, आप देख सकते हैं। अब ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम बेसन के पीसेस को डाल देंगे इसमें और इसका ढक्कन लगा के हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर आ जाए पीसेस में। अब 2 से 3 मिनट पकने के बाद आप देखिए ये सरसों वाली बेसन की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया। तो ये सरसों वाली बेसन की सब्जी बनकर रेडी है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। आप इस सब्जी को रोटी के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं या फिर पराठे के साथ खाएं, सबके साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप एक बार ये सरसों वाली बेसन की सब्जी बना के ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।